यार मोहिनी, हाँ मुझे ना एक एक कॉन्टैक्ट डिलीट करना पड़ रहा है यार। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, कर लो ना। अरे प्रॉब्लम ये है ना यार, बहुत सारे हैं, मुझे सबको रिमूव करना है, इतना टाइम लग रहा है, एक एक सेलेक्ट करके करूँगी तो कितना टाइम वेस्ट होगा यार। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम आईफोन चला रही हो ना? हाँ ऑब्वियसली। तो ये कोई एंड्रॉयड फोन नहीं है, इसमें ना एक बहुत बेसिक ट्रिक मिलती है, उसे तुम एक साथ कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करो और एक बार में डिलीट हो जाएंगे। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इतनी देर से कर रही हूँ यार, तो पहले जल्दी तुमने पूछा बताओ। नहीं ना यार मुझसे, लाओ तो बताओ जल्दी। देखो सिंपली क्या करना है, कोई भी कॉन्टैक्ट डिलीट करना है ना, तो उसको प्रेस होल्ड कर लो, उसको थोड़ा मूव करो और उसके बाद वो सारे कॉन्टैक्ट्स ना मर्ज कर लो जो तुम्हें डिलीट करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे जो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो लिंक हो चुके हैं, अब इसको छोड़ दो। अब इसके बाद तुम्हें एक जो कॉन्टैक्ट तुमने सेलेक्ट किया था ना उसको प्रेस होल्ड करके रखना है, यहाँ ऑप्शन मिलेगा डिलीट कॉन्टैक्ट का, इस पर जब तुम क्लिक करोगी तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो लिंक हो चुके हैं, तो उसमें तुम्हें बस डिलीट कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करना है और जितने भी कॉन्टैक्ट्स लिंक्ड हुए हैं ना वो एक बार में सारे डिलीट हो जाएंगे। देखा, हो गए सारे सेकंड्स में कॉन्टैक्ट डिलीट, तुम खामखा परेशान हो रही थी। यार सीरियसली यार, यू सेव्ड माय टाइम, थैंक यू। वेलकम। तो ये ट्रिक जो मैंने नेहा को बताई है ना, अक्सर ना लोग इस ट्रिक को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि यार जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें एक बार में कैसे डिलीट करें। सो आईफोन में ना ये डिलीट करने का जो ट्रिक है ना, ये हिडन ट्रिक है और बहुत ईजी सी ट्रिक है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि यार बार बार कौन सा कॉन्टैक्ट डिलीट करें, सेलेक्ट करें, तो आप भी ये ट्रिक फॉलो करिए, बहुत ही कम टाइम में आपका काम भी हो जाएगा और एफर्ट्स भी बचेंगे। तो ऐसी ना हेल्पफुल सी टिप्स एंड ट्रिक्स हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये ट्रिक कैसी लगी है उसका एक ओपिनियन हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करें।